नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्नेशन। जैसे कि भारत सरकार ने गर्मियों की छुट्टी को बढ़ा दिया है, तपती गर्मी को देखते हुए बच्चों की गर्मी की छुट्टी आगे बढ़ चुकी है। और अगर आप ऐसे में कहीं घूमने का सोच रहे हैं तो आज हम आपको ऐसे कई सारे जगहों के बारे में बताएंगे जो कि दूरी भी कम है और आपके लिए अच्छा खासा मेमोरी भी बन सकता है। तो चलिए जानते हैं आखिर आपके नज़दीकी कौन से ऐसे विजिटर प्लेस हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे काठमांडू के बारे में। नेपाल की राजधानी काठमांडू मुजफ्फरपुर से 272 किलोमीटर दूर है। काठमांडू की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। स्वयं भूतनाथ स्तूप और पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्ध स्तूप जा सकते हैं। अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप काठमांडू के इन तमाम जगहों पर जाके भी आप घूम सकते हैं। वहीं अगर बात करें सिलीगुड़ी की तो मुजफ्फरपुर से केवल 320 किलोमीटर दूर स्थित सिलीगुड़ी बंगाल की शान है। सिलीगुड़ी में इस्कॉन मंदिर और सालुगार बौद्ध मठ देखने लायक है। वहीं आगे बात करें लोले गांव की, ये गांव काफ़ी खूबसूरत है। इस गांव के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर से 344 किलोमीटर दार्जिलिंग ज़िले के कलिम्पोंग उपखंड में स्थित लोले गांव खूबसूरत हिल स्टेशन है। हरे भरे जंगल और शांत घाटियां के लिए मशहूर है। वहीं अगर आगे बात की जाए जलढाका की तो जलढाका खूबसूरत जगह है जो मुजफ्फरपुर से 384 किलोमीटर दूर स्थित है। यह अद्भुत दृश्य वाला खूबसूरत ज़िला है। यह काफ़ी कम पर्यटक आते हैं, इसलिए सुंदरता बरकरार है। अगर आप इस जगह के बारे में नहीं जानते थे और इस जगह पे घूमने का सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर पर्यटक बहुत कम आते हैं और इनकी सुंदरता भी बरकरार है। डुआस बिहार के मुजफ्फरपुर से 413 किलोमीटर दूर है। डुआस ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के पास स्थित है। इसे भूटान का प्राकृतिक प्रवेश द्वार माना जाता है। बोंगाई गांव बिहार के मुजफ्फरपुर से 527 किलोमीटर दूर है। बोंगाई गांव असम का खूबसूरत शहर है। खूबसूरत मैदानी इलाकों के लिए जाना जाता है। अगर आप कहीं घूमने का सोच रहे हैं तो आप इस गांव में जाकर घूम सकते हैं और ये गांव काफ़ी खूबसूरत भी है। वहीं अगर आगे बात की जाए नगरकोट की तो नगरकोट नेपाल में स्थित एक आकर्षक पहाड़ी शहर है जो काठमांडू से लगभग 32 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। मुजफ्फरपुर से इसकी दूरी 314 किलोमीटर है। दमन हिल काठमांडू से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नेपाल के महाभारत रेंज में बसा एक सुंदर हिल स्टेशन है। मुजफ्फरपुर से इसकी दूरी 245 किलोमीटर है। पोखरा के बारे में हर कोई जानता है। आज हम आपके इसकी खूबियों के बारे में बताएंगे। यहाँ पर घूमने लायक कौन सी जगह है। पोखरा काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर पश्चिम में नेपाल के पश्चिमी भाग में स्थित एक सुरम्य शहर है। मुजफ्फरपुर से इसकी दूरी 390 किलोमीटर है। पोखरा घूमने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं और इसकी खूबसूरती को अपने मोबाइल अपने कैमरे में कैद कर ले जाते हैं। वहीं आगे बात की जाए चितलांग की, नेपाल में स्थित चितलांग काठमांडू घाटी के दक्षिण पश्चिमी भाग में बसा एक शांत और मनोरम गांव है। मुजफ्फरपुर से इसकी दूरी 248 किलोमीटर है। तो ये रही तमाम विजिट प्लेस जहां आप आराम से जाके घूम सकते हैं। अगर बिहारवासी कहीं घूमने का सोच रहे हैं नज़दीकी कहीं आप जगह ढूंढ रहे हैं घूमने का तो आप इन तमाम जगहों पर जाकर आप घूम सकते हैं और अच्छे आप मेमोरी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। न्यूज़ फॉर नेशन, नमस्कार।